बिपिन रावत की खबर से ससुराल समेत पूरे शहडोल जिले में शोक की लहर देखी जा रही है। राज परिवार की बेटी थी रावत की पत्नी मधुलिका। आइए आपको सीडीएस बिपिन रावत जी के कुछ अंदरूनी बातों से अवगत कराएं। मधुलिका के पिता मृगेंद्र सिंह दो बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। देश के सीडीएस बिपिन रावत का मध्य प्रदेश से गहरा नाता है। उनकी ससुराल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत मध्य प्रदेश के राज परिवार की बेटी है। बुधवार को सुबह जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें मधुलिका भी सवार थी। गौरतलब है कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 लोगों में से 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर स्थित गढ़ी में बिपिन रावत की ससुराल है। उनकी पत्नी मधुलिका रावत यहीं पर पली बढ़ी हुई। वे स्वर्गीय कुंवर मृगेंद्र सिंह की पुत्री है। मृगेंद्र सिंह रीवा घराने से ताल्लुक रखते थे। रावत की मधुलिका से शादी 1985 में हुई थी। जनरल रावत और मधुलिका की दो बेटी है। बड़ी बेटी कृतिका रावत जिनकी शादी मुंबई में है, जबकि छोटी बेटी तारिणी अभी पढ़ाई कर रही है। बिपिन रावत के ससुर मृगेंद्र सिंह शहडोल इस सुहागपुर से 1967 और 1972 में कांग्रेस में दो बार विधायक रह चुके हैं। बुधवार सुबह तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार बताए गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही मधुलिका के मायके में हर कोई बेचैन थे। मधुलिका के भाई यशवर्धन सिंह जब संवाददाताओं से संपर्क किया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, दीदी और जिया जी हेलीकॉप्टर में थे और वह क्रैश हो गया। हम सब परेशान हैं, अभी ज्यादा जानकारी हमको नहीं है। हम लगातार संपर्क कर रहे हैं ताकि पुख्ता जानकारी मिल सके। जिला शहडोल से ब्रिजेश शर्मा के साथ सुधाकर त्रिपाठी की खबर।